सिद्धार्थ मल्होत्रा फिलहाल इत्तेफाक के प्रमोशन में बिजी हैं और इन दिनों वो काफी खुश भी नजर आते हैं, बावजूद इसके कि उनकी फिल्म इत्तेफाक को कुछ खास रिस्पांस नहीं मिला है, फिल्म कुछ खास बिजनेस नहीं कर पा रही है। तो क्या है सिद्धार्थ मल्होत्रा की इस खुशी का राज? क्या सिद्धार्थ कुछ नया धमाका प्लान कर रहे हैं? आइए जानते हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा इन दिनों फिल्म इत्तेफाक को लेकर सुर्खियों में हैं। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कलेक्शन नहीं दिखाया है, लेकिन क्रिटिक्स के साथ पब्लिक को सिद्धार्थ का काम पसंद आ रहा है। लोगों को उनकी एक्टिंग ने अट्रैक्ट किया है और लगता है इसी बात का सिद्धार्थ को फायदा भी हो रहा है। वो बैक टू बैक अब चैलेंजिंग रोल में नजर आने वाले हैं। जी हाँ, हाल ही में खबर आई थी कि वो आलिया भट्ट के साथ संजय दत्त की सुपरहिट फिल्म सड़क की रीमेक में नजर आएंगे। वहीं अब उनके हाथ एक और बिग प्रोजेक्ट लगा है जिसमें वो करेंगे डबल धमाका। खबर है कि कारगिल युद्ध में शहीद हुए कैप्टन विजय बत्रा की जिंदगी पर फिल्म बनाई जाएगी और सिद्धार्थ विजय बत्रा के कैरेक्टर में होंगे और डबल रोल में नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि फिल्म की शूटिंग अगले साल से शुरू हो जाएगी। खुद इस बारे में सिद्धार्थ भी बात कर चुके हैं। उन्होंने बताया था कि पिछले साल कैप्टन विक्रम बत्रा की परिवार उनके संपर्क में आया था। उन्होंने 24 साल की छोटी सी उम्र में देश के लिए जो काम किया है वो शायद कोई नहीं कर सकता। उनके लिए वो इस फिल्म को बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। उनकी जिंदगी से जुड़े जितने भी पहलू हैं वो सब कुछ सबको बताना चाहते हैं। बता दें कि 1999 में हुए कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा शहीद हो गए थे। उनके मरने के बाद उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था और इस बात में कोई शक नहीं कि कैप्टन बत्रा के बारे में पब्लिक भी जरूर जानना चाहेगी, क्योंकि उन्होंने भारत के लिए अपनी जान न्योछावर कर दी थी। और अब उनकी यही कहानी लेकर आ रहे हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा। देखना दिलचस्प होगा कि वो किरदार को कैसे निभाते हैं और पर्दे पर कैप्टन बत्रा बनकर किस तरह नजर आते हैं। इससे पहले जेपी दत्ता की फिल्म LOC में अभिषेक बच्चन ने विक्रम बत्रा का किरदार निभाया था। हालांकि तब कारगिल के पूरे नायकों को लेकर ये फिल्म बनी थी, लेकिन अब कैप्टन बत्रा पर अलग से बायोपिक बनाई जाएगी। वैसे इसके अलावा सिद्धार्थ मल्होत्रा डायरेक्टर नीरज पांडे की फिल्म अय्यारी में भी नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में भी सिद्धार्थ आर्मी ऑफिसर के रोल में ही है। इस फिल्म में उनके साथ मनोज वाजपेयी भी नजर आएंगे। दोनों ही स्टार्स का आर्मी लुक कुछ वक्त पहले काफी वायरल भी हुआ था और अब सिद्धार्थ बनेंगे कैप्टन बत्रा। बाकी सिद्धार्थ को फिर से आर्मी ऑफिसर के रोल में देखना, वो भी डबल अवतार में, काफी दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। हाय, मैं हूँ शिल्पा शिरोडकर और प्लीज कीप वॉचिंग IBC 24। हाय, आई एम फैसल खान एंड यू आर वॉचिंग IBC 24। कीप वॉचिंग। हाय गाइस, दिस इज रणदीप सिंह एंड यू आर वॉचिंग IBC 24। हाय, दिस इज अली फजल एंड यू आर वॉचिंग IBC 24। हेलो, दिस इज संदीप सुपारकर एंड यू आर वॉचिंग IBC 24। हाय, माय नेम इज जय सोनी एंड यू आर वॉचिंग IBC 24।